देवी माँ की आरती आगे भी जारी है, पर कुछ मैं याद दिलाना चाहता हूँ, खासकर छोटे बच्चे जो और जो बच्चियाँ हवन कर रहे हैं उन्हें, कि बेटा आप ये समझें कि हवन हमारे विधि विधान में एक देवी पूजा का अंग नहीं है, एक देवी पूजा का हिस्सा नहीं है, वरन कुछ संदेश हैं इनके। और इस संदेश को अगर हम गौर करें तो हम ये पाएंगे कि हवन में हम जिन सामग्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सामग्रियां तो सामग्रियां भर हैं, पर उनके माध्यम से हम अपने अंदर मौजूद बुराइयों का हवन कर रहे हैं। और जो भी गलतियां, जो भी बुराइयां हमारे अंदर समाहित हो गई हैं उनको हम हवन कुंड में डाल रहे हैं, और सभी लोग ऐसा ही कर रहे हैं विधि विधान में जो भी समझ में आए। पर हकीकत ये है कि हम लोगों को इसको इस तरीके से लेना चाहिए कि हमने ईश्वर के सामने, हमने देवी माँ के सामने हवन किया है, और हवन में हमने वादा किया है कि हमने अब सारी बुराइयाँ दफन कर दी हैं। तो मैं कह रहा था कि हम सभी मान लें कि हमने अपनी बुराइयां बिल्कुल जला डाली हैं, और अब कम से कम बुराइयां हमारे अंदर आएंगी। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देंगे, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जीवन में कभी कोई उलझन आए तो हमें कॉमेंट करेंगे, हम उसका समाधान निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और उसके लिए आप कमेंट करेंगे, व्हाट्सएप नंबर हमारा मांगेंगे, और व्हाट्सएप नंबर जब आपको उपलब्ध होगा तो आप अपने समस्या को भेजेंगे और समाधान मैं निकालूंगा। Yeah.